Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And today I have a special guest here. आप सब इन लोगों को आप लोग इसे जानते हो अगर आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो, और अगर नहीं देख रहे हो तो मैं कुछ वीडियोस आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो. फॉर दोज हु डोंट नो हु शी इज, सेलेब. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मिस सेलेब. वीडियोस में देख लेना. शी इज वेरी बिजी टू इवन एक्सप्लेन हु शी इज. तो ये पूजा पांडे हैं. इससे ज्यादा आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखोगे ये कौन है, क्योंकि काफी लंबा टाइम लग जाएगा बताने में. बट एनीवेज, टुडे अगेन वी आर हियर विद द चैलेंज वीडियो. हम लोग पहले भी काफी सारे चैलेंज वीडियोस कर चुके हैं एंड मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि चैलेंज वीडियोस करो करो करो, एंड फाइनली शी इज हियर. सो हम चैलेंज वीडियो कर रहे हैं. एंड अभी आज जो चैलेंज वीडियो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ BFF/ ट्विन टेलीपैथी चैलेंज. मैंने इसके काफी सारे डिफरेंट वर्जन्स देखे हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे मेनली ट्विन्स ये चैलेंज करते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी ये चैलेंज करते हैं. हम ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो दुनिया को लगता है कि ट्विन्स हैं. सो यस, वी आर गोना बी डूइंग दिस चैलेंज, बट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं. हमारे पास ये नोटबुक है यहाँ पे. क्या जो पता ही नहीं है क्या करने वाले. अच्छा हाँ, इसको अभी भी क्लियरली नहीं पता है. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक है एंड आई हैव 10 क्वेश्चंस और रादर लाइक थिंग्स. तो जैसे कि मानो मैंने बोला कि कलर, ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट दोनों को वो कलर लिखना है जो पहले हमारे दिमाग में आ रहा है. लाइक ऐसा नहीं कि मैं अपना ही फेवरेट कलर लिखूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है. वी जस्ट हैव टू राइट अ कलर एंड हम ये देखेंगे कि हम दोनों की थिंकिंग कितनी ज्यादा मैच कर रही है. बेसिकली हम अपनी टेलीपैथी चेक करना चाहते हैं यहाँ पे. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू टुडे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड. और जाके कॉमेंट्स में गेस करो कि आपको क्या लगता है हमारे कितने 10 में से करेक्ट होने वाले हैं. एंड अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड. नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो. सो हमारी नोटबुक यहाँ पे एंड आई थिंक कि थोड़ा एक्सपोजर की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो, बट मैं एंड में यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर दूंगी दोनों के आंसर्स की एंड वी आर नॉट गोइंग टू चीट. सो लेट अस बिगिन. हाँ ऑब्वियसली छुपा के लिखेंगे ना, चीटिंग क्यों करेंगे. चीट उनको नहीं दिखना, उनको दिखना चाहिए कि हम चीट नहीं कर रहे. तो ऐसे ऐसे. अच्छा ठीक है, हम ऐसे ऐसे लिख लेंगे. ओके क्रिएटिव, ठीक है. तो ये मेरी क्रिएटिव हेड बनने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं. बट एनीवे, हमारा पहला क्वेश्चन है चॉकलेट. जरूरी नहीं कि तुझे अपनी फेवरेट चॉकलेट लिखनी है, तुझे सिर्फ एक चॉकलेट लिखनी है. और हमें देखना हम दोनों का कितना fine, fine. तो सोच कि मैं क्या सोच रही हूँ. हाँ बाजी बात करिए, बता दे पहले. नहीं मैंने बहुत ज्यादा, मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आया मैंने वो लिख दिया. अब मैं सोच सकती तो हमें क्या चल रहा होगा, बस स्टिल मैं नॉर्मल लिखूंगी. मैंने भी नॉर्मल लिखी है, मैं कौन से तो इम्पोर्टेड चॉकलेट खाती हूँ. ठीक है क्या. अच्छा तूने कुछ ज्यादा बेसिक लिखा है. ओ माय गॉड, मैंने भी बेसिक लिखा है पर मुझे 5 स्टार लग रहा था कि तू 5 स्टार लिखने वाली है. मुझे लगा था कि तू टॉम सोच रही थी. मुझे तो वो पसंद भी नहीं है. वो तो गौरव को पसंद है. डेरी मिल्क, मेरे को लग रहा था डेरी मिल्क लिखे क्योंकि कल ही हमने डेरी मिल्क खाई थी. ऑब्वियसली तो पहला हमारा गलत हो चुका है इसकी वजह से. ठीक है नेक्स्ट. 5 स्टार भी वैसे बहुत कॉमन है, तुझे 5 स्टार ही पसंद है. पसंद नहीं कहा तूने, मैं तो मेरे को तो किटकैट पसंद है. ऐसे मैं किटकैट लिखने की सोच रही थी पहले. नहीं नहीं हाँ चल ठीक है, ऐसे सोच के दिमाग लगा के. ठीक है सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी ये होने वाला है. माउंटेन वर्सेस बीचेस. ठीक है ये तो ठीक है. अपना फेवरेट नहीं लिखना ऐसे. नहीं मैं फेवरेट नहीं लिख रही. हाँ बस हमें ये लिखना है. ओब्वियसली वैसे हम अपना फेवरेट ही लिखेंगे, कुछ भी थोड़ी लिख देंगे. मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, सो जस्ट इग्नोर दैट. अगर आप लोगों को दिख रही है तो आई होप ना. सेकंड हम दोनों पहाड़ी हैं, लाइक दैट वॉज वे टू ऑब्वियस. अगर इस पे हम दोनों से कोई बीच लिखता तो दूसरे को पूरा हक था उसको चांटे मारने का. थर्ड है कलर. आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर सम रीजन. वाओ 2-3.
पहले पहले यार डेढ़ मिनट लिख देती मैं तो, अभी हमारा 3-3 चल रहा था. एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिवल. फेस्टिवल ठीक है, याद रखियो कि फेस्टिवल कौन सा मस्ट बनता है अपना. अब मैं ज्यादा कंफ्यूज हो गई, अभी तक मैं कंफर्म नहीं कि मुझे क्या लिखना है, लेकिन हमारा कौन सा मस्त बनता है. ऑब्वियसली हम कौन सा फेस्टिवल ज्यादा मनाते हैं, मेन मनाते हैं. हम तो सारे फेस्टिवल मनाते हैं. अब गवार साथ में कौन सा मनाते हैं. मैं सारे फेस्टिवल में तेरे घर पे पड़ी होती भाई. चल ले चल. हाँ ठीक है, बेसिक मेमोरी वाला फेस्टिवल. मैं दिवाली लिख रही थी. तो मैं दिवाली में कब तुम्हारे घर आई है. महालक्ष्मी की पूजा कौन से घर में करती है. अब पूजा अपने घर में करूंगी, पर दिवाली पटाखे फोड़ने का भाई तेरे. ओ क्या बोल रही है ये इंसान. मेन होली में आती है, होली में मेमोरीज वाली सीन. पटाखे फोड़ने का बात है. बहुत लास्ट टाइम कब आई थी. लास्ट ईयर नहीं आए थे क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी. पहले भी नहीं आए थे. नहीं भाई तो तू क्या बोल रही है. सिर्फ दिवाली की रात पहले को आते हैं हम मिलते हैं. अच्छा ठीक भाई, मेक सेंस. ठीक है, तूने मुझे हिंट दे दिया था वरना मैं दिवाली लिख लेती. बट एनीवेज अब हिंट मत दियो मुझे. नेक्स्ट इज एनिमल. आई थिंक ये तो हमारा बहुत ईजी होने वाला है. ऑब्वियस है. मेरा मन कर रहा था उल्लू लिखने का, फिर मैंने कहा वो तो बर्ड होती है, मेरी बेइज्जती हो जाती है. भाई तू कितना अच्छा लिख रही है ये देखियो. क्यों तूने चार लाइन लिख के लिख गया. मैं भी ये मैं क्या कर रही हूँ. इग्नोर. अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो इग्नोर मार दो. नेक्स्ट इज ड्रिंक. मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली. कुछ भी जो लिक्विड है. ठीक है, अगर तूने ये गलत किया तो अब मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तो कैब करो घर जा. हाँ ठीक है. कॉफी लिखा. ओह सो गुड एट इट, सो गुड. क्योंकि तूने कुछ भी बोला इसलिए. हाँ इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि अगर मैं कोल्ड नहीं, क्योंकि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बोलती थी तो फिर मुझे तेरे दिमाग में चलता कि कोल्ड ड्रिंक ही लिखनी है. कोल्ड ड्रिंक. हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैं कहा नहीं मैं कुछ भी. मैं ना मोई तो लिख रही थी, मोई तो नहीं लिखेगी. फैंसी पीपल. टोब्लेरोन के बाद नहीं समझा. हाँ टोब्लेरोन मेरे दिमाग में 5 किलोमीटर दूर भी नहीं था. टोब्लेरोन मेरे दिमाग में टोब्लेरोन आ गया था. नहीं मेरे दिमाग में आया 5 स्टार. मुझे किटकैट पसंद है, कल हमने डेरी मिल्क खाई है. उसके आगे मेरे दिमाग रुक गया. उसके बाद जब तूने मुझसे बोला ना ज्यादा हाई फाई मत सोचियो, तो मेरे दिमाग में बोनवेल आई थी. टोब्लेरोन तो मेरे दिमाग में तब भी नहीं आई थी. फैंसी पीपल. एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी हमारा पॉइंट कितने चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 5. अच्छा सात पॉइंट मैंने गलत कर दिया ना. मैंने गलत कर दिया मतलब. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रूट. नाउ दिस कैन बी ट्रिकी, बट मैं कोई हिंट नहीं दे रही यहाँ पे. दिस इज माइन. ठीक है, मैं आज के हिसाब से बोल रही हूँ. मैंगो घर में इतने ज्यादा पड़े हैं कि मुझे लगता नहीं मैंगो 4 दिन से दिमाग में पड़े हैं. हाँ एग्जैक्टली, इसलिए भी मेरे दिमाग में मैंगो आ रहा. सो गुड एट इट गाइस, सो गुड. वी आर एक्चुअली ट्विन्स एट हार्ट. मैं नेक्स्ट ट्विन्स एट हार्ट. मैंने ये किया हार्ट. लिपस्टिक लगी थी दांत में, मेरा वाला हार्ट हो गया. सॉरी यार, देखियो मैं फ्रेम के बाहर जा रही हूँ. नहीं अंदर ही हूँ. ठीक है नेक्स्ट. ओह दिस इज गुड, दिस इज गुड. नहीं इसको अगला कर देती हूँ अभी. है ये वाला. नहीं ठीक है ठीक है. ये मुझे बहुत वो लगा क्योंकि अगर तूने गलत किया तो फिर मैं तुझे बालकनी से धक्का मार दूंगी. सो हमें लिखना है आर फेवरेट पास टाइम. खाली वेले जो हम पूरे दिन बैठे रहते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा करना क्या पसंद. नहीं ऐसा नहीं कि क्या पसंद है, बहुत सारी पास टाइम एक्टिविटीज होती है ना. अपने 3 दिन के हिसाब से बोलेंगे. नहीं क्यों भाई, ऐसा नहीं है, ये तो चीटिंग हो जाएगी. पास टाइम हम सब कुछ सेम लिख देंगे. 3 दिन अपने घर में पास टाइम कुछ भी. हाँ मतलब आप ये नहीं कह रही हूँ कि जो तू करती है वो, मतलब हाँ बेसिकली तुझे वही लिखना है. मेरा पास टाइम मेरा एक ही पास टाइम भैया. मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं. ओह गॉड सॉरी. मेरा पास टाइम तो यही है भाई. पीछे कर पीछे कर, इसके आगे ले जाएगी तो दिखेगा. इसके अलावा मेरे पास इतना, इसके आगे मत ले क्या है.
सिट प्लस ईट प्लस वॉच एनीथिंग नहीं, मेरा सोना स्लीप भैया बस मेरे लिए नींद बहुत बहुत जरूरी है। क्यों हो तुम जिंदा भाई, कब से तो 3 दिन से यहाँ पे वेली पड़ी हुई है तेरे चक्कर में ना, तो रात में भी तेरी वजह से मैं लेट सो रही हूँ, तेरे चक्कर में ना, मेरे चक्कर में मैं 12 बजे सोती हूँ, तेरे वजह से मैं 2 बजे सो रही हूँ, 10 बजे सो जाती हूँ, तो तू ये क्या कर रही है आप पे, मेरी नींद क्यों खराब हो रही है, मेरा टाइम पास हो जा रहा है इसलिए। हाँ exactly, sit plus eat plus watch anything, 3 दिन के हिसाब से this is what I do all day every day, हम साथ में भी, मैं अकेले भी यही कर रही होती हूँ, पर मैं अकेले में सो रही होती हूँ, पर सिट के अलावा मैं ऐसे लिखती नहीं, आई डोंट स्लीप एट ऑल, मुझे तो सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, आजकल थोड़े दिन से बस मुझे नींद ही आई जा रही है, बट उसके अलावा मुझे सोना बिल्कुल पसंद, मैं आपसे इंग्लिश में क्या इस सोने को इंग्लिश में क्या बोल, कुछ अलग फैंसी शब्द सोच रही दिमाग में, घर नहीं नहीं एक सेकेंड, स्लीप का फैंसी क्या, मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कुछ, वेरी गुड, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हम कुछ भी गलत कर दें, ये तो हम गलत नहीं करेंगे क्योंकि नहीं, हम नहीं। सही में वेले पड़े, मैंने पूछा ना 3 दिन के हिसाब से, अकेले में तो मैं सोती हूँ, मैं पावा कुछ क्या, फिर या तो पढ़ना या सोना, बस दो ही चीजें, उसके अलावा तीसरा अभी कुछ है नहीं फोन में, आई फील बैड फॉर यू, कुछ डालो इसके फोन में भाई, इंस्टा आईडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट, हम का स्पोर्ट खेलते हैं, तभी तो डाला है मैंने क्वेश्चन क्योंकि हम नहीं खेलते, तो लेट्स सी कि हम क्या लिखते हैं, खेलते नहीं पर फिर भी, बट डोंट गिव हिंट्स, तू हिंट दे दे, देखते हैं तू मेरा दिमाग ऑल्टर कर दे रही, कुछ नहीं स्पोर्ट बोला है, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख, जो मैं देखती हूँ उसके लिए नहीं, मैं कुछ भी लिखूंगी, अभी तो मैं कुछ ज्यादा गंदे लिख रही हूँ, इसके बाद वाले मैं अच्छा लिख के दिखाऊंगी कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी भी है, maybe उतना आगे मत ले जाए एक्सपोज़र, हाँ सेम है सेम, ठीक है मैं देखती हूँ क्रिकेट मैं नहीं देखती, बट स्पोर्ट के नाम पे मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा था, फुटबॉल याद आ रहा था मेरे को, तो बैडमिंटन याद है क्योंकि अपन लोग बैडमिंटन खेलते थे, नहीं वो तो मैं कभी भी नहीं लिख पाती, मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूंगी एक शब्द ना अच्छे से कि उनको पता तो चले कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये तो मैं बस एम ही कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसक्रीम फ्लेवर, फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, नॉर्मल आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है ठीक है, मैं जो लिखना चाहती हूँ मैं वो नहीं लिखूंगी, मैं ये सोच के लिख रही हूँ कि ये क्या लिखेगी, क्योंकि जो मैं लिख जो ये लिखने वाली है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं ये सोच के लिख रही हूँ, तू गलत सोच रही है, तूने गलत पक्का गलत लिखा हुआ, लिख के ले ले लिख के, बटर स्कॉच ब्रो, मैं मान ही नहीं सकती थी कि सही लिख देगी जब इसने ये बोला कि इसको पसंद है और मुझे नहीं पता, चॉकलेट तुझे पसंद नहीं है मुझे पता है, तो मुझे लगा कि तू चॉकलेट लिखेगी, तो मैंने तेरे के चक्कर में बटर स्कॉच, तू बटर स्कॉच लिख खाती है, नहीं मैं बटर स्कॉच भी नहीं खाती, स्टिल तू आधी दे देती है पर आधी तो खाती है, नहीं मुझे तो पता नहीं क्यों, हाँ वो छोड़ो इसके लिए संडे है, हाँ एग्जैक्टली मैं वो लिख रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि पता नहीं तू संडे गेस कर पाई, मैं तो तूने बोल दिया बेसिक वाला लिखते हैं, तो मुझे लगा बेसिक तो चॉकलेट, सब लोग बेसिकली चॉकलेट ही ले रहे होते हैं हम लोगों में, क्या चॉकलेट, चलो कोई नहीं देखो, लेकिन हमें पता है एक दूसरे की प्रैक्टिस, बट मेरी हैंड राइटिंग देखो दिख रही है, हेलो सी ब्यूटिफुल राइट, ये तो मैं ऐसे ही लिख रही थी टाइम पास के लिए, अच्छे से लेटर लिख के लिखेगी, हमारे कितने पहला गलत था और आखिरी गलत था, उसके बीच में सोना फैंसी स्लीपिंग गलत था, वही बस 3 गलत थे, 7/10 नॉट अ बैड स्कोर, वाला जीत गए, 5 से ऊपर कुछ भी जीतना ही होता है, तो हम लोग दिल से भी ट्विंस हैं, दिमाग से भी ट्विंस हैं, दिखने में तो ट्विन्स हैं ही, और अगर आपने हमारी ट्विन वाली वीडियो नहीं देखी है जो हमने इससे पहले डाली थी तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना, मैं लिंक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में भी लिंक कर दूंगी, 12 बजने वाले हैं, नींद आ रही है, दूसरी वीडियो भी शूट करनी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मैं इसके साथ और कौन सी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि शायद अभी ये कुछ टाइम तक फ्री है तो मैं बीच बीच में मिल सकती हूँ इससे, सो अभी बता देना, वरना फिर बाद में आप लोग डीएम करके मुझे परेशान करोगे कि हमारी लड़ाई हो गई है, हमारी लड़ाई ऐसे होती नहीं है, टचवुड, बट यस लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, यस एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।